हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ। ये रिक्वेस्टेड है, आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आपके जो पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको लेके क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर्स में आपस में क्या बातें होती हैं। चलिए देखते हैं, आपको लेके ही देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स सी, आपके जो पार्टनर हैं उनके फैमिली मेम्बर्स में क्या बातें होती हैं आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें, मुझे बताएं क्या बातें होती हैं मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके पार्टनर की फैमिली में, इनके पार्टनर के साथ में। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें। नंबर टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है, वी हैव स्ट्रेंथ की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एट ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, वी हैव द लवर्स एंड द सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से आ रहा है द स्टार्स, द स्टार। ठीक है, ये सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है। आप किसी भी जोडिक साइन के हों, आपका पर्सन किसी भी जोडिक साइन का हो, या फिर उन लोगों की जो भी जोडिक साइन हो, उससे अगर हम देखें सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लेके बातें तो होती हैं, और बातें ही नहीं होती हैं, उनको बहुत सारी बातें उनके दिमाग में डाली भी जाती हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं सिखाया पढ़ाया जाता है आपके पर्सन को। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना ट्रेन करना, किसी को ट्रेन करने की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी से ऐसी दिखा रही है कि व्यक्ति को, आपके जो पर्सन है ना, उनको तो ऐसे बना दिया गया है कि वो व्यक्ति उनका ऐसा हो गया, जैसे कि कहते हैं गुलाम सा हो जाना, ऐसा हुआ है। और इसी वजह से आपको इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं वो आपकी जो बातें हैं उनको या तो वो समझ नहीं पाता, या फिर वो इतना उनके बातों में आ चुका है, या उनके इतने दबाव में आपका पर्सन है व्यूवर्स, कि वो चाह के भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाता उस कनेक्शन में। ऐसा नज़र आता है कि जब तक आप उस कनेक्शन में, उन लोगों के साथ में रहे, उस फैमिली में रहे हो, जब तक आप उस रिश्ते में, मतलब एक तरह से कहते हैं ना रिश्ता ही तो है यहाँ पे, जब तक आप रहे हो तब तक आपके रिलेशनशिप में फूट डालने की यहाँ पे कोशिश की गई। आपका रिलेशनशिप कभी भी मजबूत बनने दिया ही नहीं गया, आपके प्यार को कभी, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने दिया ही नहीं गया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब जब आप दोनों ने एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश की, या एक दूसरे के साथ में रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की, या फिर एक दूसरे के साथ में टाइम बिताने की कोशिश की, एक दूसरे का साथ पाने की कोशिश की, तब तक यहाँ पे इन्फ्लुएंस किए गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये ज़बरदस्ती किए गए हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना व्यूवर्स, उसको ये बोला जाता है आपको लेके, ठीक है, क्या कि आपको उनसे कोई प्यार नहीं है, यानी आपके प्यार को यहाँ पे झूठ और धोखे फरेब से जोड़ा जाता है। आपके लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको उनसे कोई प्यार व्यार नहीं है, आप उनसे सिर्फ इसलिए उनके रिश्ते में आए हो, या फिर उनसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपकी मंशा कुछ और थी। और मंशा क्या थी, जैसे आप उनसे कुछ लेना चाह रहे थे, पैसा, आपका जो मोटिव था वो यही था। आप जैसे चालाक बहुत हो, ऐसा बोला जाता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, या बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, आपको लेके ऐसा बोला जाता है। आपका जो मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं पैसा है, प्रॉपर्टी है, वही तो आपको चाहिए था। आप उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, आपके लिए ऐसा बोला जाता है। आप उनके साथ में, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप पर्सन के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको ये दिखा जाता है जैसे तुम्हारे, जब तुम सामने होते हो तो वो इंसान अच्छा व्यवहार करती है या करता है, लेकिन जब तुम चले जाते हो ना तो वो हमारे साथ में, यानी आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, उनके फैमिली मेम्बर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, सीधे मुँह उनसे बात नहीं करते, उनको उल्टा सीधा बोलते हो, उनके साथ में बहुत गलत तरीके से पेश आते हो, उनकी कोई बात नहीं सुनते हो। और अगर वो, ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि जब जब आपके पर्सन भी आपको
कुछ करने की आपके लिए कुछ कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है ये कह के कि उसके लिए मत कर, वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान बदतमीज़ है और उसके लिए करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डर नज़र आता है। डर इस बात का रिवर्स कि सब कुछ आपका जो पर्सन है वो आप ही को ना समझने लगे, वो उनको एक्साइड ना कर दे। उनको डर है कि उनके हाथों से जो पैसा है, जो पावर है, वो उनके हाथों से ना चली जाए। यहाँ पे रिवर्स आपको इसी वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। आप वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या नज़र आता है कि आपको सिर्फ अपने पर्सन का जो प्यार था वो ही तो चाहिए था। आप उनके साथ रहना चाहते थे, आप उनके साथ में अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते थे। आप दोनों का जो रिश्ता है व्यूअर्स, वो कभी भी मतलब अच्छा चल नहीं पाया या अच्छा बनने नहीं दिया गया। जब तक आप फैमिली के साथ रहते थे, आए दिन आपके रिलेशनशिप में आपके साथ में लड़ाइयाँ होती थी, कलेश होते थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जाता था। इसलिए आप अपने पर्सन के साथ अलग रहना चाहते थे, जैसे चाहते थे कि आपका पर्सन आपके साथ में डिटैच हो जाए। क्योंकि अगर वो इनके साथ में ही जुड़ा रहा, इनके साथ में ही इनके अकॉर्डिंग चलता रहा, तो कहीं ना कहीं इससे आपके कनेक्शन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और आप ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, लेकिन आपके रिश्ते में उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो चालाकियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप उनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स मतलब उसने एक जैसे कहते ना घर कर लेना, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है कि आपके रिश्ते को पॉलिटिक्स की मार पड़ी है। आप उनकी चालाकियों से अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि आपके पार्टनर को खुद आपको छोड़ के जाना पड़ा। आप उनको छोड़ के उस घर से, उस रिश्ते से बाहर आना आपको मजबूर इतना कर दिया गया, आपको मजबूर होना पड़ा कि चलो ठीक है अब यही सही। क्योंकि बर्दाश्त करने भी की भी जो कहते हैं ना लिमिट होती है, आप कितना बर्दाश्त करते। आपने ऐसा नहीं है कि हर मुमकिन कोशिश नहीं की है कि अपने पार्टनर को इस रिश्ते के लिए अवेयर करें, उनको अपने मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स की जो सच्चाई है वो बताएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके अपोजिट ही गई बात। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कभी भी आपकी बातों पे विश्वास किया ही नहीं, उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली वालों की बातों को ही माना है, उनकी बातों को ही इम्पोर्टेंस दी है और कभी आपकी बातों को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। यहाँ पे व्यूअर्स ये भी देखा जा सकता है कि आपकी बातों से ज़्यादा उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातों पर ज़्यादा विश्वास है। और यही बात रही है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन का माइंडसेट है ना, वो धीरे धीरे उन्हीं के माइंडसेट के जैसा हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब आपके माइंडसेट और आपके पर्सन के माइंडसेट में काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए, काफ़ी ज़्यादा। वो आप ही को गलत समझने लगे, उनको लगा कि आप ही ज़्यादा प्रॉब्लम शो करते हो या क्रिएट करते हो। उन्होंने आपके व्यवहार को इस तरह से मैनिपुलेट किया उनके फैमिली मेम्बर्स ने कि आपका व्यवहार चाहते हुए ना चाहते हुए वैसा ही होने लगा उनके सामने, आपके पर्सन के सामने। एक्चुअली में ये आपको इन्फ्लुएंस इतना किया गया कि आपका व्यवहार गलत हो और वो आपके पर्सन नोटिस करें, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने आपको गलत समझा, उन्होंने आपको गलत साबित किया। आप तो सिर्फ अपने पर्सन के साथ में एक साथ में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते थे, सेपरेट होना चाहते थे ताकि किसी का इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में ना हो और आपका जो रिश्ता है वो स्मूथली यहाँ पे चलता रहे। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी बात को नहीं समझ सके, और जब उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तब आपने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया कि आपको इस कनेक्शन से या तो उस व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस बनाना है या फिर आपको उनसे बाहर निकलना है या उनको छोड़ के आना आपकी मजबूरी हो गया। ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा नहीं, डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको लेने आए, आपको घर लेने आए या फिर आपको मनाने आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, डेफिनेटली वो अभी भी उनके इन्फ्लुएंस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते या वो समझते नहीं हैं, डेफिनेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही, जब से आप उनसे दूर हुए हो उनको कुछ बातें तो समझ में आने लगी हैं
कि जो बातें घर में चल रही ना, एकदम से माहौल घर का कैसे चेंज हो गया, एकदम से ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो कुछ हद तक तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपका जो पर्सन है वो उनके डेफिनेटली उनके प्रेशर में है, उनके दबाव में है, वो आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहता है, वो उनको बोलना भी चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल डेफिनेटली दे वॉन्ट टू से समथिंग, समथिंग नहीं बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। वो उनको ये नहीं कह पा रहे कि तुम्हारी गलती की वजह से ये रिलेशनशिप आपका और उनका ख़राब हुआ है, तुम्हारी गलतियों की वजह से आप उनसे दूर हो गए हो, ये रिश्ता जो ख़राब है वो उनकी गलतियों की वजह से हो गया है। वो उनको कभी ये नहीं बोल पा रहे कि तुमने हम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दिया है। आपके पर्सन व्यूअर्स कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आता है। आप उनको बोलते हो कि कुछ बोलो तो सही, वो इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो कहते हैं कि यार क्या ही बोले, रहने दो। ये सब चीज़ें होती हैं। आपके जो आपके पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे लोग हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। कहते हैं ना जिसकी जैसी सोच होती है वो दूसरे को भी वैसा देखता है। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे को लेके ओरिएंटेड हैं और ये इसी वजह से आपकी इमेज भी वैसे ही बना के चल रहे हैं आपके पार्टनर की नज़रों में। उनके खुद के दिल दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा भरा हुआ है, चालाकियाँ भरी हुई हैं, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। उनको आपके पर्सन को जो उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि आपका पर्सन उनके लिए बहुत कुछ करता है। उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके हाथ में है वो सब आपके हाथ में आ जाए, आपका पार्टनर आपको समझने लगे, वो आपके ऊपर खर्चा करने लगे, वो आपके लिए सब कुछ करने लगे, जो उनका वो आपके पार्टनर पे अपना हक समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको आपका हक दे दिया तो उनके पास में क्या मिलेगा, वो सब कुछ खो देंगे, ना उनके पास में पैसा रहेगा, ना प्रॉपर्टी रहेगी, ना आपका पर्सन रहेगा, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन से उनकी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपके पर्सन आपकी खुशी का ध्यान ना रखे, इस बात का ध्यान वो बहुत अच्छे से रखते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके तन बदन में आग लग जाती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि बातें होने लगती हैं कि देख उसने ये करा, उसने उसके लिए वो किया, ये सब चीज़ें। और आपकी छोटी छोटी बातों को व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को आपकी यहाँ पे मतलब नोटिस किया जाता है बकायदा, कि देख उसने ये किया, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हर चीज़ आपकी नोटिस की जाती है, चाहे आपसे छोटी सी गलती ही क्यों ना हो जाए, पर उसको भी इतना बढ़ा चढ़ा के आपके पर्सन के सामने रखा जाता है जैसे आपसे गलती नहीं कोई गुनाह हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे चल रही हैं। आपके पार्टनर को बस इसीलिए उनको बहला फुसला के प्यार प्यार करके रखा जाता ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे, कभी उनके खिलाफ कुछ बोले नहीं। कहते ना ट्रेन करा हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से माइंड वॉश किया हुआ है और अभी भी वो सब चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने जो चाहा व्यूअर्स वो कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है। आपको आपके पर्सन की लाइफ से निकाल के अलग कर दिया गया है, अब आप वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो कि व्यक्ति आएगा, लेकिन आपके पर्सन को बहुत अच्छे से वहाँ पे और अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है और आपको कोशिश यही रखी जा रही है कि आपको इस घर में वापस या उनके लाइफ में वापस एंट्री ना मिले। आपके पर्सन व्यूअर्स बोलना बहुत कुछ चाहते पर बोल नहीं पाते, लेकिन एक बात तो यहाँ पे तय है कि आप भी तब तक नहीं आना चाहते जब तक आपका पर्सन आपको ना समझे, क्योंकि इसी वजह से तो आप इनसे दूर हुए, इसी वजह से तो आप इनसे दूर गए। और कुछ लोग लिए तो व्यूअर्स ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको बहला फुसला के आपके पर्सन से आपको दूर किया गया है, जैसे किसी ओकेजन के थ्रू या किसी वजह से आपको उनसे दूर भेजा गया और आपको वहीं छोड़ दिया गया, फिर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वहाँ से क्रिएट करवा दी गई, जैसे उनकी प्री प्लानिंग थी कि इस तरह से वो आपको इनसे दूर करेंगे ताकि आप लौट के वापस ना आ सकें। लेकिन आप भी ऐसे ही नहीं आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं आ सकते, लेकिन आप खुद से आना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं आपके अगर आप आएँ तो आपका पर्सन आपके सपोर्ट में तो एटलीस्ट खड़ा हो, वो तो खड़ा हो, ठीक है, जिसके साथ में आपका रिश्ता, जिससे आपने प्यार किया है वो तो आपके हों, आप ऐसे ही नहीं होना चाहते। और तब तक आपके पर्सन आपको नहीं पा सकते जब तक ये आपके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक वो समझेंगे नहीं,
जब तक वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो ये सिचुएशन है व्यूवर्स कि डेफिनेटली वो जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स, उनकी जो नीयत है वो एक अच्छी नीयत नहीं है, वो आपको पसंद भी नहीं करते हैं, और आपके पर्सन का जो नेचर है व्यूवर्स वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक नर्म वाला तो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपसे भी प्यार किया, आपने उनसे भी किया है, लेकिन इस प्यार से उनको डर लग गया, उनको खतरा हो गया, और इसीलिए इस प्यार को तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की गई, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। और अभी भी वही कोशिशें जारी हैं व्यूवर्स, वही सारी कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, उनको देखो ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ पा रहा, उनको बोलना तो पड़ेगा, और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक चीज़ें बेहतर कैसे हो पाएंगी, है ना। और देख लेते हैं आपके लिए क्या, मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, और क्या देखूं मैं यहाँ पे, गाइडेंस देख लेते हैं सबसे पहले। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ वो मेरे व्यूवर्स को बताएं इनको क्या करना चाहिए। स्टिलनेस, स्टे इन प्रेजेंट, इग्नाइट योर लाइफ। मोटिवेशन एंड द ट्री विजडम। आपको यहाँ पे ये जो चारों कार्ड, पांचों कार्ड मैंने निकाले ना, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये आपकी है, ये जो वक्त है, इस वक्त को ऐसे ही ख़राब मत होने दो। जैसे कहते हैं ना, वक्त की कीमत बहुत बड़ी होती है, हर एक दिन जो वक्त के साथ में कट रहा है, ये जा रहा है, वो लौट के वापस नहीं आएगा। अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए अब, या किस तरफ आपको अपनी लाइफ लेके जानी है, या फिर अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, उसको बहुत, जैसे कहते हैं ना, गहराई से सोचो और फिर उसके लिए एक्शन लो। फिर ज़्यादा मत सोचना उस चीज़ को लेके, ठीक है, एक्शन पे फोकस करना, प्रेजेंट में रहो, ये आपके लिए बोला जा रहा है। स्टे इन प्रेजेंट यानी आपको या तो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, पास में जो कुछ हुआ है आपके साथ में, आप उसको लेके अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, तो प्रेजेंट का टाइम क्या है, या तो जैसे खुद को बिल्डअप करो, खुद के करियर पे फोकस करो, खुद की लाइफ में अपने आप पे फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, इंडिपेंडेंसी जैसे अपनी है ना, उस पे फोकस करो। तो अपने ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपके कनेक्शन में, यहाँ पे यही बोली जा रही है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो बहुत ही पेनफुल है, और पेनफुल टाइम से आप लोग गुजरे भी हो, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपनी आपकी लाइफ में ठहर गया है। लाइफ में बदलाव तभी आएंगे जब आप बदलाव लाना चाहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। चेंज लाने के लिए आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है, ठीक है व्यूवर्स। तो यही है कि चेंज लाइफ में लाना होगा आपको, खुद के लाइफ के पैटर्न पे, खुद के जीने के तरीके में, खुद की सोच में। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ एक्शन भी लेने होंगे, सब कुछ आपको करना होगा, और जब आप करेंगे खुद के लिए तो लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।